तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, और आए दिन सोशल मीडिया पर छोटे बड़े इन्फ्लुएंसरों के द्वारा कुछ ऐसी वीडियो शेयर करी जाती हैं जिसमें वो अपना भोकाल या फिर अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी वीडियोस आपको कभी कार से स्टंट करते हुए दिखाई देंगी या फिर कुछ ऐसी गतिविधियों को करते हुए दिखाई देंगे जिससे कि आम जनता को परेशानी हो। ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की भी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसी एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है जो कि पंजाब के जलंधर अंदर से हैं, तो पहले आप पूरी वीडियो देखें। गल सुन सोनिए, शेर दी शेर नहीं है, डर के नहीं रहना। बस मैं गया ते आया, ख्याल रखी आपदा। चलो भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की गाड़ी है और उसके बोनेट पर एक इन्फ्लुएंसर जो है बैठी हुई है और वो गाने के साथ में अपने जो है रिएक्शन दे रही हैं। अगर आप गौर से देखे होंगे तो इन दीदी ने जो है मिडिल फिंगर को भी दिखाया है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि जो प्रशासन आम जनता की सेवा के लिए बना हुआ होता है, अगर उसकी एक व्हीकल पर बैठकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा तो क्या ही प्रभाव जो है हमारे युवाओं पर जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस भाई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो मालूम नहीं कि ये कौन है या फिर इनका क्या रिलेशन था, इन दीदी का इन पुलिस वालों के साथ में क्या रिलेशन था, लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पर जो है लोगों ने काफी वायरल करा इस वीडियो को और इसके खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई करने की मांग करी, तो वहां के जो SHO हैं उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी उन्होंने भी अपने ऑनलाइन आकर जो है सॉरी मांगी है और उन्होंने बोला है कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। क्या सॉरी मांग लेने से ये सारी चीजें कम हो जाती हैं? तो भाई एट द लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अपना भोकाल दिखाने के चक्कर में कुछ भी ऐसी जो है वीडियोज वगैरह शेयर ना करें जिससे कि जो है दूसरे लोगों को परेशानी हो। जो चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए वो बिल्कुल भी ना डालें।